वेलकम गाइस हमारे YouTube चैनल स्टडी वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमने लास्ट आई थिंक आपको प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट करवा दिया था, है प्रोनाउन। जो भी हमारे गाइस YouTube चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो गाइस हम स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे अपना जो रिस्टार्ट बोलो तो अब रिस्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक जो प्रोनाउन चल रहा था आपका। मैंने कुछ फैक्ट्स क्लियर करा दिए थे पहले आपको, ठीक है। उनमें अगर रिलेटेड कोई डाउट है तो आप, मैंने कहा था आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो वो आप इस वीडियो के थ्रू आपका आई थिंक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट मैंने उसमें बता देते और कुछ टाइम इसमें क्लियर करा दूंगा। तो आपका जो पूरा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, आई परफॉर्म दैट कॉन्टेंट हियर और आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा जिससे कि आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल, ठीक है। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, यहाँ से पी रिप्रेजेंट पी है, ये पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रोनाउन को, ठीक है। आप शॉर्ट में प्रोनाउन की जगह पी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशन के लिए आप क्या लिखते हो, पी आर ई पी लिखते हो प्रीपोजिशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रोनाउन को पी से, ठीक है। अब गाइस स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आप पढ़ते क्या होते हैं, डिटेलिंग पढ़ते हो वो ये पढ़ते हो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो चीज़ें मैटर ज़्यादा करती है, ईच अदर और वन अदर, ठीक है, जो कि हमारे पारस्परिक संबंध को बताती है। इसका मीनिंग यही है, ठीक है, जो पारस्परिक संबंध को डिफाइन करें, ठीक है, वो रेसिप्रोकल हमारा। अब रेसिप्रोकल में मतलब एक दिया ईच अदर, एक दिया है वन अनदर, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, रीच ईच अदर और वन अनदर में डिफरेंस वो ये है कि ईच अदर यूज होता है किसी भी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए, ठीक है। वन अनदर यूज होता है दो से अधिक के लिए, क्लियर है। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए, इतना क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल, एक तरह से समझते हैं कि कैसे होगा एग्जाम्पल हमारे पास। जैसे कि ही वॉज अफ्रेड दैट हिज नीज नॉट वन अनदर, क्या हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ आपके पास, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉट वन अनदर, ठीक है, नॉट वन अनदर। नीज नीज कितनी होती है, दो ही तो होंगी, एक पैर की एक साइड, दूसरे पैर की दूसरी साइड, दो ही तो होंगे आपके पास, दो के लिए क्या यूज किया रखा है हमने, वन अनदर, सही है, नहीं है ना, ऑब्वियस। आपके पास अगर सेंटेंस में एरर फाइंड करने के लिए आता है अगर, तो आपके सेंटेंस में आपको एरर क्या मिली है, एरर आपको एक चीज तो एरर मिली है, यही एरर है ना आपकी, आपकी एरर तो यही है, क्लियर है। आपको बस एरर पे फोकस करना, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये दो के लिए, दो से अधिक के लिए, हमारे पास दो से अधिक तो टांगे ही नहीं है, तो नीचे तो आ ही नहीं सकती दो से अधिक, ठीक है। तो क्या है, वन अनदर, क्लियर है। चलो आगे प्रोसीड, फादर प्रोसीड करेंगे ईच अदर और वन अनदर। गाइस इस पे अपना जो जितने भी आपके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, वो आप चाहो तो गूगल से निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो यू कैन गाइस कमेंट दैट कि आपको वो साथ साथ प्रोवाइड कर दिया जाए, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए, आप उस पर फर्दर एग्जाम्पल्स कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट, तो गाइस ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप, ठीक है, डिस्कस करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर आपने पढ़ा होगा, लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या था, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थोड़ा उससे ब्रीफिंग मिल जाएगी, बाकी हम बेस्ट पढ़ाए बाकी डिटेल, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप पढ़ते क्यों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप बेसिकली पढ़ते हो कि मतलब किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट करना, ठीक है, यही मीनिंग होता है डेमोन्स्ट्रेट का, ठीक है। अब पॉइंट आउट कैसे करोगे आप किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पे हमारा दिस और क्या दिया हुआ है, दिस और दीज, ठीक है, दिस और दीज दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसका यूज़ आप किसके लिए करते हो, जिसका यूज़ आप किसी चीज़ को, एक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए करते हो, ठीक है, जो आपके पास दी हुई है, और दो दीज का यूज किसके लिए करते हो, एक ए, ये एक है तो ज्यादा के लिए, एक मतलब एक से ज्यादा के लिए जो दूर है, इसीलिए करते हो ना दीज का यूज। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस, ठीक है, दिस इज अ कैट, ठीक है, किसके लिए हो गया, एक एक के लिए हो गया, ठीक है, और वो भी क्या, पास, ठीक है, पास के लिए,
अब इसी को मैं ये कहूँ कि दीज आर कैट्स, ठीक है, तो किस चीज के लिए हो गया, ये एक से ज्यादा के लिए हो गया, ठीक है। आप ध्यान रखना, अगर एक किसी भी चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हो, एक चीज को, ठीक है, वो पास है, तो उसके लिए आप जिसका यूज करोगे, अगर वही चीज जो कि एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है, उसके लिए क्या यूज करोगे, दीज का यूज करोगे, क्लियर। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल आपके पास, आप अगर आप पूछते हो कि मान लो एरर कैसे आएगा इस चीज में, तो आपको इस चीज में एरर ऐसे मिल सकता है, मान लो आपको दिस की जगह दैट या जो कह लो दीज आर कैट दिया हो, ऐसे ना दिया हो, है ना, दीज आर कैट दिया हो, ऐसे ना दिया हो, तो आपको ये चीज मतलब इस टाइप के जो एरर्स आते हैं, आपको एरर इन तीनों में से कहीं भी एरर दे सकता है वो, ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर। आपको बस रूल याद रखना है कि जिसके साथ में हमेशा प्लूरल के लिए रखता है और जो दिस है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, क्लियर है इतना। नेक्स्ट करते हैं दैट, दैट का यूज भी सेम है गाइस, दैट का यूज भी किसके लिए करोगे आप, दैट का यूज भी आप किसके लिए करोगे, कोई भी एक चीज, लेकिन वो क्या है, यहाँ केस था हमारा पास के लिए, ठीक है, जो नियर बाय है, चलो दैट का यूज करोगे, और दो उसका यूज आप दूर की चीजों के लिए, ठीक है, जो दूर की चीजें हैं, अगर दूर की चीज वो एक है तो आप उसके लिए कह सकते हो दैट इज माय बुक, वो क्या है, मेरी किताब है, पर वो दूर है, ठीक है, और दोज आर माय बुक, दैट इज माय बुक, दोज आर माय बुक, ठीक है। इसी तरह से आपको फर्दर एग्जांपल्स बना सकते हो या फर्दर डिटेलिंग कर सकते हो आप इस चीज की फर्दर डिटेलिंग, ठीक है, वो आपके लंच को, क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर, अगर गाइस कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है मे बी उसको दोबारा देखो, ठीक है, दोबारा अगर नहीं समझाया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दोबारा देखो, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप कॉमेंट बॉक्स में जाओ, उसके थ्रू आप उसको टाइप करके हमें क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, विद इन 24 आवर अश्योरली रिप्लाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, ठीक है, रूल नंबर थर्ड है हमारे पास में, ये कहता है, रूल नंबर थर्ड क्या हमें बताता है कि जब भी सिंगल सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल मतलब एक, ठीक है, काउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ में हम यूज करते हैं वन का, ठीक है, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, सिंगुलर नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्लूरल होगा, यही तो दो होते हैं, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर नहीं होगा तो वह प्लूरल होगा, क्लियर है, और प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे वंस, ठीक है। कंडीशंस कुछ इस तरह से आती है, आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव आया, डेमोन्स्ट्रेटिव में यू फर्दर टाइप अप पढ़ते हो दीज दोज मतलब वन वर्ड्स, ठीक है, यू फर्दर टाइप पढ़ते हो किसके लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, और पॉइंट आउट करने के लिए आप जब उनका यूज करोगे फॉर एग्जाम्पल्स फॉर एरर्स, तो इस तरह से करोगे, आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि सिंगल काउंटेबल नाउन तो वन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो वन आएगा, क्लियर। एग्जाम्पल्स, दिस इज अ वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन, क्या है, दिस इज अ वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन, क्या है, वन क्यों, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, क्या यूज है, दिस जो पास की चीजें हैं और दो जो दूर की चीजें हैं, दिस पास दो दैट दूर, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस पता लगेगा, अगर सिंगुलर है तो वंस लगेगा, प्लूरल है तो वंस लगेगा, यहाँ पे आपको एरर तो नहीं हो सकती थी, बस ये वंस की जगह वंस दे देता, जब वंस की जगह वंस दे देता, ठीक है, इतना समझाया। चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो रूल है नेक्स्ट, जो हमारे पास टाइप आता है वो आता है प्रोनाउन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन आप जानते हो, सॉरी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के क्या है एक्चुअली, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन गाइस अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है, तो ध्यान देना ये जो हेडिंग है डेमोंस्ट्रेटिव, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि डेमोंस्ट्रेटिव ना मैंने अगर आपको आपने ध्यान दिया हो डेमोंस्ट्रेटिव अभी बढ़ाया था, ठीक है,
ये जो आपका फर्दर टाइप बढ़ता है ना, ये बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सा आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन पढ़ते हैं, फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। हाँ, तो ये टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन में आप पढ़ोगे क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन में आप पढ़ोगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन के जो पार्ट होते हैं उनका आप एक प्रॉपर यूज करोगे, ठीक है? क्योंकि आपको अगर प्रॉपर यूज नहीं पता है तो यही आपका जो एरर है वो माइंड नहीं कर पाते, यही रीजन है, ठीक है? मोस्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन में हम ईच अदर, ठीक है, सॉरी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का यूज करते हैं। और इनके बाद जो यूज होंगे, इनके बाद, ठीक है, इनके बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किस तरह फिक्स करोगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? और गाइस ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको ईच के साथ ऑफ लगा हो, आइदर के साथ ऑफ लगा हो या नाइदर के साथ ऑफ लगा, ठीक है, तो इनके बाद हमेशा जो भी जो हमारा नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल फॉर्म में, क्या कौन सी फॉर्म में आएगा? प्लूरल फॉर्म में। जो हमारा सेकंड होना, सेकंड पे एक बार फोकस करना, ईच आइदर नाइदर सेम है, जस्ट सेम है, बस ऑफ नहीं है, ठीक है? ऑफ नहीं है तो इसमें चेंज कितना हुआ, ईच के बाद सिंगुलर नाउन आ गया ना, हमें अभी ऑफ लगा हुआ है कि क्या करना है, प्लूरल नाउन डालना है, ठीक है? जैसे यही सेंटेंस अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ईच ऑफ सिंगुलर की जगह प्लूरल डालना है, प्लूरल क्या कर देंगे, ईच ऑफ द बॉयज कर देंगे, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है? बॉयज का भी क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब है ना, प्लूरल हो जाएगी, आर डूइंग का तो डूइंग आएगा, ये तो वर्ब ऑफ एक्शन है, और हमारा सिंगुलर एडजेक्टिव लगा हुआ है, सिंगुलर एडजेक्टिव की जगह चेंज क्या आएगा, प्लूरल एडजेक्टिव आएगा, तो क्या बचेगा आपको, देयर देयर देयर, ठीक है, वर्क, ठीक है, हिंसा बचे होगा, क्या आ जाएगा, डेसा डेंसर लगा दिए, ठीक है, इतना ही तो चेंज होगा, और कुछ चेंज होगा नहीं। मान लो अगर आपसे कहा जाता है इस एक्सपेक्टेशन इस तरह से करो तो आप इस तरह से लगा दोगे, क्लियर है? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ईच ऑफ का अगर आपको यूज बोलता है कि ईच ऑफ का यूज करके बताओ, आइदर ऑफ का मतलब कि यूज किस के कब करोगे आप, जब हमारा दिया हो नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ ऑफ दिया हो, ऑफ दिया हो, और उनके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है? मान लो अगर यही सेंटेंस में मैं ऐड कर दूँ ईच ऑफ लगा दूँ, तो यहाँ पे जो बॉय है और ये वर्ब है ये सही होगी, या आपसे कहा जाए ये सेंटेंस एकदम से एडजेक्टिव इतना दिया हुआ है और आपको ईच ऑफ कहा हुआ है, ईच अगर आपको एरर कुछ निकालने तो क्या लगाओगे, ऑफ को ऑफ पे अंडरस्कोर कर दोगे आप, है ना? मान लो अगर यहाँ पे ऑफ लगा दो मैं, तो आप अगर आपको एरर देखनी हो तो आप ऑफ को तो अंडरस्कोर करोगे, क्यों? क्योंकि ऑफ ही गलत है, सेंटेंस तो पूरा सही है ना, अकॉर्डिंग टू दिस ये सही है, अकॉर्डिंग टू दिस ये सही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये भी सही है, इसके अकॉर्डिंग ये भी सही है, अपने अपनी जगह सब सही है, हमें फोकस कहाँ देना था यहाँ पे, ठीक है? अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज नोटबुक, ईच ऑफ द बॉयज हैज नोटबुक, ठीक है, क्लियर? Each of the boys has notebook, ठीक है, क्लियर? Each of the boys has notebook, क्या लगा? Each of the boys, each of the boys, boys क्या हो गया? Plural, ठीक है, plural noun, ऐसे हो गया। Next करते हैं rule number, each of the boys has notebook, ठीक है, अगर ज़्यादा आपको प्योर में डालनी है तो आप ऐसा कर सकते हो, इस साथ में air आ सकते हो, ठीक है? अगर कोई भी ऐसी सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है, मतलब ये चीज आती है तो उसके बाद जो आप नाउन यूज करोगे वो भी सिंगुलर यूज करोगे, ऑब्वियस जब ये सिंगुलर है ये इस केस में प्लूरल हो जाता है, अब ये सिंगुलर का केस है तो सिंगुलर नाउन लोगे, इनके सिंगुलर नाउन लोगे, इस सबसे हमने अगर बनना है तो सिंगुलर नाउन में डालेंगे, है ना? तो इसमें एग्जाम्पल अगर बनाया जाए तो एग्जाम्पल आपके पास ये रहा, लेकिन तो नो इट डाउन द बोर्ड, ईच बॉय इज डूइंग, ईच बॉय इज डूइंग दिस वर्क हिमसेल्फ, क्लियर?
समझो जो बॉय है ठीक है, क्या कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, खुद से अपना काम कर रहे हैं ना, ईच बॉय हर लड़का ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट आता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का बोथ। बोथ का यूज आप गाइस कभी भी, तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बोथ का यूज आप नेगेटिव केसेस में नहीं करते ठीक है। नेगेटिव केसेस में बोथ का यूज नहीं होता। कैसे, अब नेगेटिव केसेस बोलूं तो मैं बोथ का यूज आप जब करोगे तो इस तरह से कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं कहना चाहूं बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक है, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर Both of the students are guilty, ठीक है, इतना ही होगा ना, both of the students are guilty, इसके according हमने जो लगा दिए हैं both of the students are guilty, ठीक है, वो किसके according लगाया है, both के according दिमाग में, हमने इसमें negative कुछ बात हुई थी, negative case में सही use नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है, वो अगर आप negative case में से use करते हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, both of the students are guilty, हमारा sentence यहीं पे खत्म होता है, both के use समझ गए आप, इतना ध्यान रखना अगर कोई भी नेगेटिव केस में अगर बोथ आता है तो आपको वहीं पे एरर, वो जो नेगेटिव केस है वो रॉन्ग होगा ठीक है, एरर हमारा ही होगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम से, तो गाइस मैंने कहा नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, नहीं प्लीज करेंगे ठीक है, वो भी जल्दी करेंगे, आपको इतना अगर समझ आया हो तो वेलकम गुड, अदरवाइज एक बार दोबारा वीडियो देखना, कुछ पार्ट स्किप रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो, एज यूजुअल आई हैव सेड आई विल रिप्लाई विद इन 24 आवर्स क्लियर क्लियर, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय YouTube चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक कमेंट शेयर।